नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं नीरज त्यागी। यूं तो बाल दिवस अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानी, एक ऐसे सेंटा क्लॉज की कहानी जिसने एक मासूम की अंधकारमय जिंदगी को उजाले से भर दिया। देखिए इस सच्चे अधिकारी की ये रिपोर्ट। गरीबी की चोट खाने वाले बच्चों के लिए बाल दिवस का दिन भी रोजमर्रा की तरह ही होता है, लेकिन यदि समाज के संपन्न लोग इन मासूमों के लिए आगे आए तो शायद इनके लिए भी बाल दिवस खास बन सकता है। ये कहानी है मासूम मनीषा की, जो पढ़ना चाहती थी लेकिन पैसों के अभाव में मनीषा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाई। ऐसे में मनीषा की जिंदगी में सेंटा क्लॉज बनकर आए कन्नौज जिले के पुलिस कप्तान हरीश चंद्र, जिन्होंने न सिर्फ मनीषा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया बल्कि पत्र लिखकर बोर्ड से ऑफलाइन बोर्ड फॉर्म का आग्रह किया। मैडम ने कहा कि कल फीस लेकर आना, कल भर का तुमको टाइम दे रहे हैं और कल फीस लेकर आना वरना नाम काट देंगे। तो फिर हम स्कूल में फीस ही नहीं थी मेरी माँ के पास, तभी फिर हम स्कूल गए नहीं, मैडम ने नाम काट दिया। फिर एक बार गए तो मैडम ने प्रिंसिपल ने कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा तो नाम कट चुका है, यहाँ से जाओ SP साहब के पास। उन्होंने कहा कि ये रुपये हम दे रहे हैं और ये बच्ची हमारी है, हम ही इसको पढ़ाएंगे और इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। आपको बता दें कि मनीषा के घर में दो छोटे भाई और विधवा माँ है। माँ मेहनत मजदूरी कर जो पैसे लाती है वो पेट भरने में खर्च हो जाते हैं। ऐसे में भला पढ़ाई लिखने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। बावजूद इसके मनीषा ने पढ़ाई करनी चाहिए। उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से गुजारिश भी की, लेकिन पैसे ना दे पाने के कारण प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। जब ये मामला जिला बाल संरक्षण अधिकारी के सामने उजागर हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने अपनी गोपनीय जांच कराई, जिसमें मनीषा की गरीबी की कहानी सही निकली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक हरीश चंद्र ने पत्र लिखकर बोर्ड से ऑफलाइन बोर्ड फॉर्म का आग्रह किया। साथ ही 5,000 रुपए देकर मनीषा को कपड़े और किताब खरीदने को कहा। बच्ची के पिता नहीं है, जो बच्ची से दो छोटे भाई हैं, वो भी दोनों नाबालिग हैं, गैराज में कहीं काम करते हैं, और माता जी का तो चूंकि मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ और माता जी का विधवा फॉर्म भी भरवा दिया गया है। इनकी मालियाल देखते हुए घर भी इनका थोड़ा सा जगह है, लेकिन घर वैसा नहीं बना हुआ जिसे रह सकें। फिलहाल तो नहीं कर पाएं क्योंकि माता जी भी कहना है कि वो भी लेबरी करती हैं 200-300 रुपये में, तो उस हिसाब से बच्ची का अफोर्ड नहीं हो पा रहा है। विद्यालय में बताया इनका बोर्ड फीस नहीं जमा की गई। विद्यालय से DISR जिस जिला विद्यालय ने इच्छा संपर्क किया गया तो बताया कि 31 तारीख लास्ट डेट थी, 31 अगस्त वो निकल चुकी है, इस फॉर्म इनका नहीं भर पाएगा, तो जिसके संबंध में इनका विद्यालय से ऑफलाइन फॉर्म भराकर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की गई है, जिससे कि पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा इसको सचिव इलाहाबाद बोर्ड पहुंचा जाकर इसका ऑफलाइन से ऑनलाइन फॉर्म किया जाए। कप्तान साहब ने यही किया हुआ कि जिला विद्यालय निरीक्षक के बेस पर इन्होंने एक अपने बिहाव पर एक लेटर बनाया और उनकी जो गुपचुप जो उनकी जांच थी उस जांच का हवाला देते हुए उन्होंने सचिव महोदय से आग्रह किया हुआ है कि बच्ची की माली हालत को देखते हुए इसका ऑनलाइन फॉर्म भराकर इसको बोर्ड परीक्षा में बैठाया जाए। गोद लेने की बात कही, साथ ही ये भी 5,000 रुपये उन्होंने दिए मेरे सामने, जिससे बच्ची खाली हालत आर्थिक हालत ठीक नहीं है, जिससे उसके स्वेटर बुक्स और ये भी साथ में उनकी माता जी से कहा गया है कि ये बच्ची आज से मेरी है, जिस बच्ची का सारा पढ़ाई का खर्चा मेरे द्वारा किया जाए। मनीषा की ये कहानी समाज के उस वर्ग के लिए है जो रोजाना हजारों रुपए अपने शौक पर खर्च कर देते हैं। शायद आप भी मनीषा जैसे किसी बच्चे का हाथ थाम उसे एक जिंदगी दे सकते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक हरीश चंद्र ने दी है। देश में खो रहे इन सितारों को आप और हम मिलकर ही गरीबी जैसे काले बादलों से बचाकर निकाल सकते हैं। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।